असल नाजरेन पर रूही के पास निमल आ जाती है और नाजरेन उसे तंज करती है और कहती है कि तुमने तो बहुत ज्यादा अपने आप को जो है वो सवार लिया है बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है और यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा तुम्हें तो देखने से तुम एक गरीबी की बेटी हो और हो भी बेवा जिसके बाद नाजरेन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जो है वो खुश होकर नाजरेन आगे से जवाब देती है रूही कहती है कि आप जो है अनिशा बेवी की सिर्फ भाभी हैं तो इसकी वजह से मैं आपकी इज्जत करती हूँ और नाजरीन जिसके बाद उसे बहुत ज्यादा सनाने के बाद वहां से जो है वो चली जाएगी हंस के जिसके बाद नाजरीन यहाँ पर इससे डर लगना शुरू हो जाएगा निमल को भी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है दोस्तों नाजरीन आप लोगों को क्या लगता है वो अनिशा को जब बताएगी तो नाजरीन निशा तो किसी के सुनने में नहीं है और यही कहेगी कि कोई भी इसे नहीं पसंद करता यहाँ पर वो तो इतनी ज्यादा अच्छी है लेकिन अभी उसकी आंखें नहीं खुल रही और दूसरी जान आप लोग देखने वाले हो के साथ यहाँ पर वो जॉगिंग कर रहा होगा जिसके बाद वो थक रहा होगा तो नाजरीन यहाँ पर रूही देख के बहुत ही ज्यादा जल्दी से भाग के जाएगी और इसके लिए जूस लेकर आएगी जिसके बाद यहाँ पर उसे कहेगी कि यहाँ पर मेरे हाथ में जूस देख के ये मत समझना कि यहाँ पर मैं भी दूसरे नौकरों की तरह नौकर ही हूँ मुलाजम हूँ जिसके बाद नाजरीन यहाँ पर वो कहता है कि यहाँ पर तुम बहुत ही ज्यादा प्यारी हो अच्छी हो तो मेरे साथ तुम अपना रवैया जो है वो ठीक कर लो कि ये भी हो सकता है कि मैं तुमसे ही शादी कर लूँ जिसके बाद नाजरीन रूही तो एकदम शॉकड हो जाती है और नाजरीन बहुत ज़्यादा खुश हो के उसे लुक्स देती हुए जाएगी और नाजरीन अब आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पर साथ जो है इसे फंसाने की कोशिश कर रहा है या इसके साथ फ्लर्टिंग कर रहा है आप लोगों को क्या लगता है और अब रूही जो है नाजरीन क्या यहाँ पर मुराद से फोकस हटा के इस पर फ़ोकस रखेगी या कुछ और करेगी ज़रूर से बताइएगा और सबको पता चला ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਡੀਓ ਚਲ ਗਿਆ ਸੁਣਨ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਟਰ ਫਰੈਂਡ ਅਲਾ ਹਾਫਿਜ਼